एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज ये जो वीडियो ला रही हूँ एक स्पेसिफिक रीजन की वजह से मैं ला रही हूँ, वो भी एक मेरे फॉलोवर ने मुझे कमेंट करके पूछा कि मैम हमने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं बट फुल मून में हम जानना चाहते हैं कि हम खुद की क्लेंजिंग कैसे करें और हमारी दुकान की भी क्लेंजिंग कैसे करें जो फटाफट हो। और उसकी वजह से क्योंकि वर्किंग डे है, सैटरडे संडे नहीं है तो इतना टाइम नहीं मिल पाता है हमें, तो कुछ ऐसा टिप बताइए जो फटाफट हो और वो इजी भी हो करने के लिए। तो ये ला रही हूँ मैं ये वीडियो उसी टॉपिक के लिए ऊपर लेके। तो कल है जैसे हमारा फुल मून, अगस्त इज लाइक, जैसे आपने अभी तक अगस्त रीडिंग गाइडेंस नहीं देखा है तो गो एंड चेक इट राइट नाउ, आई एम गिविंग इट इन द आई बटन, तो आप जाके चेक कीजिए जरूर, क्योंकि अगस्त मंथ आपके लिए क्या सभी के लिए जो भी 33 पेटल्स के साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत बहुत पॉजिटिव एनर्जीज ला रहे हैं। तो उसके साथ में मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि आपको आपकी क्लेंजिंग कैसी करनी है जिसकी वजह से हमारी मनी एनर्जी जो है, जो भी कुछ ब्लॉकेजेस हो या स्टैग्नेंट एनर्जी है हमारे घर की हो या खुद की हो या दुकान की हो, उसको हम क्लेंस कैसे कर पाए, वो भी फटाफट और वेरी इजी वे। तो पहला तरीका तो हम लोग खुद की क्लेंसिंग करेंगे, क्योंकि जब हम खुद अच्छे पॉजिटिव एनर्जी में रहेंगे तो आजू बाजू का जो सराउंडिंग है हम उसको पॉजिटिविटी दे सकते या ट्रांसफ़र कर सकते। तो खुद के लिए क्लेंसिंग बहुत ज़रूरी है। तो कल नहाने के पानी में आपने क्या करना है, अगर आपके पास मैजिकल सॉल्ट है जो 33 पेटल्स खुद बनाता है और एनर्जाइज करता है, अगर वो है तो कल ज़रूर उससे आप अपनी नहाने के पानी में आप डालिए, और अगर वो नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, आप आपके पानी में डालिए खड़ा नमक, खड़ा नमक एक मुठ भर लीजिए और उसको पानी में डालिए। अगर आपके पास वो भी ना हो तो आपने क्या करना है, दो कपूर की जो क्यूब्स आती है उसको स्मैश कीजिए, पूरा पाउडर जैसे बनाइए और उसको आपके नहाने के पानी में डाल दीजिए एंड लेट इट सेटल डाउन फॉर सम, मतलब उसकी जो ऑयल्स है वो आपके पानी में मिक्स हो जानी चाहिए और उस पानी से आप नहाइए। और जब आप नहाते हो तो ये इंटेंशन पानी में डालिए कि इस पानी की वजह से मेरी जो भी नेगेटिविटी होगी या नेगेटिव ओरा में मेरी जो भी एनर्जीज है जो मेरे लिए फ़ायदेमंद नहीं है या ब्लॉक्स क्रिएट करें या स्टैग्नेंट है वो उसको पूरी तरह वॉश ऑफ कर दे। तो आप ये पहली ये टिप्स कर सकते हैं खुद को क्लेंजिंग करने के लिए। और अगर हमारे शॉप है या क्लिनिक है, डेंटिस्ट की शॉप है, कोई भी शॉप हो, इट इज़ इरेजिस्टिबल, आप कोई भी शॉप अगर आपकी है तो आपने क्या करना है, इवन इफ इट इज़ अ पार्लर राइट, तो कोई भी जगह हो आपकी जहाँ से आपको आमदनी आती है आप वहाँ पे ये कर सकते हैं। इनफैक्ट ये आप घर पे भी कर सकते हो, घर के लिए मैंने और बहुत सारे टिप्स भी बताए हैं बट ये सबसे ईजीएस्ट वे है। तो उसमें आपको क्या करना है, आपको लगेंगे सिर्फ तीन चीज़ें, तो आपको लेनी है एक धूपदानी या तो आप कोई भी ऐसा एक वेसल ले सकते हो जिसे आप होल्ड करो तो उससे आपको कोई दर्द ना हो या कोई बर्निंग सेंसेशंस ना हो। तो मिट्टी का अगर घड़ा है तो बड़ा सा दिया है वो भी ले सकते हो, उसमें आप डालिए सूखे जो क्यूब्स मिलते हैं आजकल हमारे गौ माता के काउडंग के, मतलब गोबर के जो सूखे ब्लॉक्स मिलते हैं, आप उसमें से एक ब्लॉक लीजिए, उसमें आपको दो या तीन तेल में भिगोए हुए या घी में भिगोए हुए बाती डाल दीजिए और उसके साथ में आपको लोबान बर्न करना है। लोबान जो इजीली अवेलेबल है, इट इज़ द बेस्ट वे टू क्लेंज योर स्टैग्नेंट एनर्जी, मतलब वो सबसे अच्छा और फायदेमंद और सस्ता वे है जिससे हम लोग हमारे घर की एनर्जी जो स्टैग्नेंट एनर्जी है वो भी उससे रिलीज कर सकते हैं। तो आपको ये पूरा जलाना है, जलाने के बाद उसमें से जो स्मोक निकलेगा मतलब जो धुआं निकलेगा उस धुएं को घर के, ऑफिस के, शॉप के हर एक कोने में आपको ये घुमाना है एंड मेक श्योर कि ये जो स्मोक है थोड़ी देर ऑफिस में या शॉप में रहे। ओके, आप ये फिजिबली 5 to 7 to 8 के बीच में ये कर सकते हो, मतलब सांझ के बराबर टाइम में आप कर सकते हो, तो 8 बजे तक आप ये कभी भी कर सकते हो। तो ये आप जब ये करोगे तो लेट द स्मोक बी देयर, मतलब थोड़ी देर वो स्मोक रहने दीजिए और उसे फुल पूरी मतलब एक से एक कोना जो आपके घर पे है या ऑफिस में है या शॉप में है जहाँ पे ज़्यादा वहाँ पे हलचल नहीं होती है या वहाँ की जो स्टैग्नेंट एनर्जी है उसको मोमेंट नहीं मिल पाती है, वहाँ पे वो ज़्यादा स्मोक
वाइब्रेंटली घुमाइए, हर जगह पे घुमाइए और फिर उसको थोड़ी देर के बाद आप खिड़कियाँ वगैरह खोल सकते हो। इसकी वजह से आपके घर की भी क्लेंजिंग हो जाएगी। और किसी कोई कोई जो ऐसे मेरे फॉलोअर्स या सब्सक्राइबर्स भी है जो फायर यूज़ नहीं कर सकते, मतलब घर में हम लोग स्मोक नहीं कर सकते क्योंकि स्मोक डिटेक्टर्स है या स्मोक से एलर्जी है, तो आपने क्या करना चाहिए, आपके पास अगर घंटी है या बेल, जो भी बेल है जिससे भी साउंड फ्रीक्वेंसी आप क्रिएट कर सकते हो, उसको हर एक कोने में आपके घर के और ऑफिस के इसमें वहाँ पर रिंग कीजिए एंड लेट द स्टैग्नेंट एनर्जी गो ऑफ। अगर आपके पास वो भी नहीं है तो आपने घर में कल नेगेटिविटी ओरा निकालने के लिए कोई भी यूट्यूब चैनल पे से कोई भी एक मंत्र चला सकते हो, जिसकी वजह से आपके घर में या आपके शॉप में कोई भी नेगेटिव एनर्जी हो तो उसको रिलीज़ करने का मौका मिले। तो कल के लिए ये ज़रूर कीजिए और मुझे फॉलो करना ना भूले, इंस्टा पे भी कीजिए और सब्सक्राइब दिस बटन ओवर हियर राइट नाउ ऑन दी YouTube channel and let us grow together, and all the best and welcome your August 2023 with love and happiness and prosperity as well. Thank you.